हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति मेहंदी आर्ट। तो आज के इस वीडियो में ना मैं आपको एकदम एडवांस लेवल की डिजाइनिंग सिखाने वाली हूँ। आप इस डिजाइन को कहीं भी यूज कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी आप इसे डिजाइन कर सकते हैं। मैंने ब्राइडल मेहंदी के हिसाब से इसको डिजाइन किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बॉक्स था जिसके अंदर मैंने प्लस वाला साइन लेके यहाँ पे छोटे छोटे चारों साइड में बॉक्सेस क्रिएट किए। देन उसके बाद उसमें वाई वाला जो शेड है, शेप है ना, वो वहाँ पे पूरा क्रिएट किया, ठीक है। और उसके बाद देन मैं यहाँ पर एल वाला जो शेप है वो बनाते हुए जा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा आप ध्यान से देखना कि मैंने ये रेफरेंस लाइन कहाँ कहाँ पर किस तरीके से ऐड करी है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूज भी आपको कर सकता है। तो आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं अंदर की तरफ ना लाइंस दे रही हूँ। ऑलरेडी इससे पहले ऊपर की तरफ ले चुकी हूँ लाइंस, जैसे कि आपने अभी देखा इस वीडियो में। अभी यहाँ पर जो है सारे रेफरेंस लाइंस क्रिएट करने के बाद में, इसके बाद जो प्रॉपर लाइंस है ना वो मैं यहाँ पर दे रही हूँ। रेफरेंस लाइन इसीलिए लेनी है ताकि हमें जो शेप चाहिए ना वो शेप अच्छे से आ जाए, फिर फाइनल लाइंस हमें कहाँ देनी है हमें वो पता रहे, ठीक है। सारे लाइंस बनाने नहीं हैं, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। और अभी आप देखो मैं किस तरीके से डिजाइनिंग यहाँ पर करते हुए जा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप लेयर्स एक एक जो है वो यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। इसके बाद में यहाँ पे अंदर की तरफ मैं लाइंस ऐड करूंगी। आपको ध्यान रखना है लाइंस आपको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हुए ध्यान से ड्रॉ करनी है, जैसे मैं कर रही हूँ सेम यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। आप चाहें तो इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अभी यहाँ पे अंदर की तरफ ना मैंने लाइंस ऐड करी है, इसके बाद यहाँ पर मैं दोबारा लाइन ऐड करूंगी। पहले ये बाहर वाली जो लाइन है ना इसको मैंने थिक कर दिया, आप अपने हिसाब से भी इसे डिजाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर अंदर की तरफ अगेन मैंने यहाँ पर लाइंस का यूज किया है, थिन लाइंस यहाँ पर ऐड करी है। फिर से एक और लेयर यहाँ पर मैं लाइंस की दूंगी और इसके अंदर आप एलिफेंट, पिकॉक, ढोल, कलर, शहनाई कुछ भी आप डिजाइनिंग बीच में दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पर यूज किया है गणेश जी के सिंबॉलिक गणेश जी का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना कि कैसे छोटे छोटे मैं शेप्स क्रिएट कर रही हूँ। इसके अंदर ना फिलिंग वर्क करना है, इसीलिए यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से पास पास ही ड्रॉ करना है शेप्स को। ये सांझी स्टाइल भी आप कह सकते हैं, गणेश जी का ये फिगर इधर मैंने ड्रॉ किया है। देन बाकी का जो बाहर का एरिया बचा है वहां पर सर्कल ऐड करके पूरे एरिया को अच्छे से फिल करना है। बाद में इसके अंदर की तरफ आप शेडिंग दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हो। ये जो बाहर वाली लाइन है ना वहां पर मैं वेव लाइंस का यूज करूंगी। आप इसके अलावा कोई भी यहाँ पर डिजाइनिंग ले सकते हैं, लाइंस वाला कुछ भी काम कर सकते हैं। अब मैंने वेव लाइन लेने के बाद यहाँ पर डॉट्स का यूज किया है, थोड़े थोड़े से मतलब कि गैप पर जहां अंदर की तरफ कर्व है ना वहां पर आपको डॉट्स ऐड करने हैं। और आपको एक चीज और बता देती हूँ, मेरा बेसिक टू एडवांस प्रोफेशनल ब्राइडल कोर्स विद पोर्ट्रेट भी स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त से। उसके ऊपर ऑफर रखा गया है, जो भी लोग 20 जुलाई से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे उन्हें फ्री मेहंदी किट प्रोवाइड किया जाने वाला है। ऑफर के साथ आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिखाई देगा अभी, तो उस पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप करके क्लासेस से रिलेटेड बाकी की डिटेल्स भी ले सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना देखो, अभी ऊपर वाला जो बाहर वाला एरिया था ना वहां पर मैंने छोटे छोटे से लीव्स का यूज किया है, ठीक है। पहले ऐसे उल्टा मैंने लीफ लिया, फिर उसके ऊपर की तरफ में मैंने लीफ ड्रॉ किया है। बहुत इजी सा है ये वाला शेप, आपको यू के जैसा नीचे ड्रॉ करना, आगे की तरफ हल्का सा उसको लेके जाना है, बेंड करना है, देन अंदर की तरफ से कर्व ऐड करना है। सिंपल इजी स्टेप्स में है, आप इसे चाहें तो पहले पेंसिल से प्रैक्टिस कर लेना, देन आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। पूरा अच्छे से ये बाहर वाला एरिया जो है ये ड्रॉ करने के बाद बाकी का जितना भी एरिया बचेगा खाली लाइंस के अंदर वाला, वहां पर अच्छे से थिक फिलिंग देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप कोई भी डिजाइन कटवर्क का ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में ना आपको एक दो चीजें और बता देती हूँ। फीस जो है वो 2 टाइम्स में आप पे कर सकते हैं और इसमें जो है रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही में आपको बेसिक डिजाइनिंग जो होती है वो सब कुछ कराया जाने वाला है। एडवांस डिजाइनिंग भी है, सोशल मीडिया कैसे हैंडल करना है वो भी इसके अंदर है, फिगर्स वाला काम भी इसके अंदर है। फुल डिटेल चाहिए आप नंबर पे डायरेक्ट मैसेज ड्रॉप कर देना, आपको सारी डिटेल्स जो है क्लासेस से रिलेटेड प्रोवाइड कर दी जाएगी। और अगर आपको इसी तरीके की और भी डिजाइनिंग देखनी है तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है ज्योति मेहंदी आर्ट के नेम से,
वो भी मैं यहाँ पे साइड में डाल दूंगी, आप वहां पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सारी डिटेल्स वहां पर भी मैं काफी सारी अपलोड करती हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी ये जो बाकी का अंदर वाला स्पेस बचा है, यहाँ पर मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया था, जैसे कि बीच बीच में गैप देके, और कॉर्नर्स में यहाँ पे मैं फ्लावर्स ऐड कर रही हूँ और बीच में डॉट ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसके बाद लाइंस के साथ में सारे पार्ट्स को जो है मैं कनेक्ट कर दूंगी, और यहाँ पर मैं यूज करूंगी लीव्स का। लीव्स जो है प्रॉपर अच्छे से ड्रॉ करनी है, छोटी छोटी बनानी है, बहुत भरना नहीं है, ठीक है, ताकि जो लुक है ना वो पूरा अच्छे से समझ में आए कि कहाँ पर क्या डिजाइनिंग हमने किया हुआ है। ऐसे ही जैसे मैं इस वीडियो में काम कर रही हूँ, लीव्स वगैरह बना रही हूँ, तो ऐसे आपको करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है या फिर कुछ भी आपको प्रॉब्लम रहती है, तो आप यहाँ पे कमेंट्स करके भी मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट इस वीडियो पे मैं दूसरा टॉपिक लेके आऊँ तो वो यहाँ पे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये हमारा डिज़ाइनिंग हो गया है बनके रेडी, और अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।